हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी टेक में और आपके लाइव में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है कि गूगल और जो फेसबुक होती है वो जो अकाउंट होते हैं वो कई एप्लीकेशन क्यों मांगती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करते हैं, तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों जो कुछ एप्लीकेशन होती है वो गूगल और फेसबुक से मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन जानना चाहती है कि आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके बारे में जो भी गूगल और फेसबुक के पास स्टोरेज है या फिर जो भी उन्हें आपके बारे में पता है तो वो मांगती है। जैसे कि आप जानते हो कि क्लैश ऑफ क्लैंस, उसके बाद पबजी, इस टाइप की गेम्स, ताकि आपका नेम और सारा कुछ आइडेंटिफिकेशन उनको क्लियर हो सके। उनके पास जो भी डाटाबेस होगा वो फेसबुक और गूगल के अकॉर्डिंग वो सेट करेंगे आपके लिए, और आपका नाम, आपका हर एक चीज़, एड्रेस वगैरह जो भी आप भरते हैं, आपका नंबर वगैरह हर एक चीज़ उनके पास एक्सीड हो जाता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न बनता है कि वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये बन जाता है कि वो आपके लिए अलग से डाटाबेस बनाना चाहते हैं ताकि आपके लिए अच्छा बन सके हर एक चीज़। दोस्तों यहाँ पर हम दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन वो होगी जिसमें आप विदाउट गूगल और विदाउट फेसबुक जाएंगे, और सेकंड कंडीशन वो आएगी जिसमें आप गूगल और फेसबुक के साथ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर आपके पास विदाउट गूगल और फेसबुक के साथ जाएंगे तो आप, अगर आपका फ़ोन में कुछ खराबी हो चुकी होगी या फिर आपने फ़ोन रीसेट कर दिया, तो आपके पास जो भी उस गेम का मतलब कि या फिर उस एप्लीकेशन का जो भी डाटा है वो इरेज हो जाएगा। अगर आपके पास मतलब कि बैकअप नहीं हुआ तो वो आपके पास कभी नहीं आ सकता। तो दोस्तों सेकंड बात यहाँ पर बन जाती है जब आपके पास गूगल और फेसबुक के साथ जाएंगे, तो मान लो गेम जैसे पबजी और COC है, अगर हम उसमें विदाउट गूगल और फेसबुक जाएंगे तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाएगा। अगर आप विद गूगल और फेसबुक जाएंगे तो आपका डाटा बचा रहेगा, चाहे आप फ़ोन को कितनी बार भी क्लियर डाटा या फिर रीसेट कर लो। अगर आपके पास अकाउंट बना है, अगर वो कनेक्टेड है, तो आप आसानी से उस गेम को दोबारा से खेल सकते हैं। जिस लेवल में आप है उसी लेवल से आपको दोबारा मतलब कि दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए जो गूगल और फेसबुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ताकि जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है कंपनी को वो उन तक पहुंच जाए, और आपके बारे में जो भी डिटेल्स है उस गेम्स की वो उन तक पहुंच जाए और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से वो सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसलिए गूगल और फेसबुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ही कई एप्लीकेशन बन जाती है, जैसे कि ट्विटर में भी, जैसे कि आप जानते हो कि क्लैश ऑफ क्लैंस, सॉरी जो पबजी है उसमें आप ट्विटर से भी चला सकते हो, और जो सुपरसेल आईडी है वो आप क्लैश ऑफ क्लैंस में चला सकते हो, या फिर सुपर सेल की किसी भी गेम में आपके पास सुपर सेल आईडी मिल जाती है। इसीलिए ये आईडी के लिए ऑथेंटिकेट की जाती है ये चीज़ें। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बात की आईडी, तो दोस्तों जैसे कि गूगल, फेसबुक या फिर ट्विटर है वो आपका एक आईडी प्रूफ बन जाता है उस गेम का, और आपको बहुत ही अच्छी ढंग से सर्विस प्रोवाइड हो जाएगी उसके तरह से। तो दोस्तों मान लो आपको अगर प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को लेना है या फिर उस एप्लीकेशन के किसी कंपोनेंट्स को लेना है, इसके लिए भी गूगल का यूज़ होता है। इसके लिए गूगल अपना गूगल पे सर्विस को यूज़ करता है ताकि वो आपको हेल्पफुल हो सके किसी चीज़ को खरीदने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहे मेरा चैनल बी टेक, मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।